हेलो फ्रेंड्स, मोहिनी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पोहे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमें लेना है एक बाउल पोहा, दो बारीक कटे हुए टमाटर, दो बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से करी पत्ते, ये मैंने 5 से 6 करी पत्ते ले लिए, आधी टीस्पून चीनी, 2 टीस्पून लेमन जूस, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम पोहे को अच्छी तरह से धो लेंगे। पोहे को मैंने धो लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट के बाद पोहा हमारा कितना खिला खिला सा हो गया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें करी पत्ते, 2 बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज को लाइट ब्राउन होने तक आपको भूनना है। अब इसमें 2 कटी हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब इस पे हम 2 बड़े कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले में आपको आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम पोहे को भी डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच चीनी ऐड कर देनी है और 2 छोटी चम्मच लेमन जूस। अब पोहे को 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसमें 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर देना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पोहा रेडी हो चुका है, अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। पोहे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।